आ गए तुम दोनों, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपको कैसे पता कि हम आने वाले? बार बार ये पूछना बंद करो कि हमें कैसे पता है। हमें सब कुछ पता है क्योंकि हम महामाया है। हम ये भी जानते थे कि तुम दोनों वो परीक्षा की गुत्थी सुलझा नहीं पाओगे, और उस दानव का रहस्य जानने के लिए हमारे पास जरूर आओगे। हाँ महामाया, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये परीक्षा हमारी क्यों ली, और वो दानव वो आखिर है कौन? जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है, परीक्षा उन्हीं की ली जाती है। वो दानव कौन था, कहां से आया था, ये सब पूछने की बजाय फिलहाल यहां ध्यान दो। दिनों बाद याद किया महामाया, क्या हुआ ये नया रूप रास नहीं आ रहा है? मुझे तो पहले ही पता था। खैर अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो कहो क्या कहना चाहती हो। उम्मीद है किसी छोटे काम के लिए मेरा वक्त बर्बाद नहीं किया होगा तुमने, वरना तुम्हें तो पता है कि मेरा वक्त बर्बाद करने की क्या सजा मिलती है। आप भी अच्छी तरह से जानती है महामाया छोटे काम करती नहीं है। अगर काम छोटा होता तो हम हमारा वक्त नहीं बर्बाद करते। ओहो महामाया तुम बिल्कुल नहीं बदली, गुस्सा तो नाक पर रखा है। अच्छा बोलो क्यों याद किया? याद है ना आपने क्या कहा था, मैं जब भी आपसे कोई वरदान मांगूंगी आपको देना ही होगा। हाँ तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, मांगो क्या मांगती हो। अधिराज और मोहिनी तैयार हो जाओ। तैयार? लेकिन किस लिए महामाया? तुम्हारे इनाम का वक्त आ गया है, अपनी शक्तियों को 100 गुना बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी शक्तियां जिसके बारे में ना तुमने कभी सुना होगा, ना देखा होगा और ना ही महसूस किया होगा। मगर महामाया हम इतनी शक्तियों का करेंगे क्या, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत तो तुम्हारी भी नहीं यहाँ पे, फिर भी तुम खड़ी हो ना यहाँ पे। इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। उफ़ ये महामाया और उसके नखरे। बाला इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ। जाओ। चला खा। हुआ क्या है तुम्हें? हाँ लगता है तुम अपने संस्कार और स्वभाव पूरी तरह से भूल चुकी हो। नागलोक का राजा नागराज भुजंगों में, और जब मैं स्वयं तुमसे किसी विषय में चर्चा कर रहा हूँ तो उसे अधूरा छोड़कर यहाँ आने का साहस कैसे किया तुमने? कहाँ से सीख रही हो ये बदतमीजी? तुम बदल चुकी हो शलाका। मैं नहीं बदली बल्कि आप लोग बदल गए हैं। सारे नागलोक का नजरिया ही बदल गया मेरी तरफ। आप सबकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ दया है, इज्जत नहीं है। शलाका हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बल्कि मुझे तो गर्व है तुम पर। तुम नागलोक की वो योद्धा हो जो उस दुष्ट महामाया की कैद में रहकर भी जिंदा लौटी हो। मेरा विश्वास करो शलाका।
गर्व है पर भरोसा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है शलाका, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है, अगर ऐसा ना होता तो आप मुझसे बातें नहीं छुपाते। बात नहीं छुपाते, लेकिन मैंने छुपाया क्या है? नाग मंडल के तीन तत्व। नाग मंडल के तीन तत्व? तो तुम नागलोक के तीन तत्वों के बारे में जानना चाहती हो? वो तीन अद्भुत तत्व है, विष अमृत, वासुकी और विषधर। कहाँ है भुजंग? शलाका, जो नाग मंडल के तीन तत्व हैं, वो नाग मंडल की अमूल्य धरोहर है और नागलोक का राजा होने के नाते उनकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा धर्म भी। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं, मैं खुद तुम्हें उन तीनों तत्वों के बारे में बताऊंगा। काला साया, काली क्रिया, काली शक्तियों के लिए डायनों के तिलस्मी कुंड में डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओ। ये सब क्या है? महामाया हमारे साथ क्या करने वाली है? महामाया का सजा देने का और सबाशी देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमने शबरू को मारा है, उसके लिए हमें इनाम मिलेगा। बस उसी की क्रिया ही है। एक बार मुझे समझ नहीं आ रही कि महामाया ने तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजा? इतने सवाल पूछती हो। इन सुंदर सुंदर डायनों से बचाने के लिए कहीं किसी ने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो? हसू,
शलाका दीदी इस पेड़ में कैसे गई? ये कोई खुफिया रास्ता तो नहीं? क्या? यहाँ से आगे डायनों के तिलस्मी कुंड हैं। उसमें डुबकी लगा के पवित्र हो जाओ, जाओ। मगर ध्यान रहे, ये डायनों का कुंड है। एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो दोनों मरोगे। चलो अब खड़े हो जाओ। महामाया की काली क्रिया के लिए अब तुम दोनों पूरी तरह तैयार हो। वापस लौटने का वक्त आ गया है, चलो। ये कौन सी क्रिया है जिसके लिए महामाया ने हमें डायनों की दुनिया में भेजा है? हमारे साथ होने क्या वाला है? मौत आ गई थी जो इस तरह बिन बुलाए चली आई यहाँ पर। माफी महामाया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए इस वक्त यहाँ आना पड़ा। बोलो। नाग मंडल के तीन तत्व, उनके बारे में मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर वो भुजंग जरूर से ज्यादा ही चालाक निकला। वो ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। वो चालाक है इसलिए वो नागराज भुजंग है। शलाका, कमजोर होता तो तुम्हारे कहने पर सब कुछ उगल देता। तुम्हें क्या लगा तुम नागराज भुजंग से पूछोगी वो तीन तत्व कौन से हैं? और वो तुम्हें बता देगा? बेवकूफ कहीं की। कहा था ना हमने अक्ल का इस्तेमाल करना। अक्ल नहीं तो खूबसूरती का इस्तेमाल करना। पर तुमसे ये हो नहीं पाया ना। मैंने बहुत कोशिश की उसके करीब जाने की, पर वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देता। बहुत नखरे बढ़ गए नागराज भुजंग के। कुछ करना पड़ेगा। तो
ये वशीकरण पोषण है, इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना। ये लो, इससे पहले कि पूरा नाग लोग तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चलाए, जाओ यहाँ से। जी महामाया। किससे बात कर रही थी आप महामाया? मैंने सुना आपके अलावा भी किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। ये रास्ता बहुत ही भयानक है, आगे से इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगी। क्रिम्बिकम क्रिम्बिकम क्रिया। क्यों आई मैं इस रास्ते से? ना जाने महामाया के कितने दानव छुपे होंगे यहाँ पे। चुन्नू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शलाका दीदी आपके पेड़ को क्या हो गया? पेड़ ने काट खाया। शलाका दीदी तुमने देखा था मुझे किसने काटा? हाँ बोलो। फिर से आंखें हरी। तुम होती कौन हमसे पूछने वाली कि हम किससे बात कर रहे थे? तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। महामाया अब तो हम डायनों की दुनिया से पवित्र होकर भी लौट आए हैं, अब तो बताइए कि आगे क्या होगा? हम तुम्हें वो शक्तियां देंगे जिससे तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे। मगर क्यों देंगे आप हमें वो शक्तियां? ऐसा क्या करने वाले हम? नागलोक का नाश, सर्वनाश। नाग अष्टमी के दिन भुजंग हर तरह से घिरेगा, अंदर से और बाहर से। ना वो किसी बिल में जा पाएगा, ना किसी दरवाजे से बाहर भाग पाएगा। अष्टमी के दिन होगा उसका नाश, सर्वनाश। मरेगा वो भुजंग और उसके साथ सारा नागवंश।